हेलो गाइस, मैं नीतीश मणि। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड नेटफ्लिक्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने ओल्ड अपडेट को भी इंक्लूडिंग करा है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से ऑल अपडेट वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। पर मैंने सोचा कि अब वीडियो बना रहा हूं तो वो सारे अपडेट भी इंक्लूडिंग कर लिए जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले जेम्स बॉन्ड का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप सबको पता होगा। उसके कुछ कैरेक्टर पोस्टर भी लॉन्च हुए हैं। एवेंजर एंड गेम का ऑफिशियली एक नया कौन सा पार्ट आया है, जो कि हल्क और एंशिएंट वन का था। आज मॉर्निंग में एक नई इमेज आई है सामने दी इंटरनल्स फैमिली की, जो कि काफी कमाल की लग रही है। और अभी हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी डाली है। टॉम हार्डी ने अभी हाल ही में एक इमेज शेयर करी है, जो कि एंडी स्टैक वेनम 2 को डायरेक्ट करते नजर आ रहे हैं। और ये कार्नेज की लोकेशन भी उन्होंने रिवील करी है। जोजो रैबिट, जो कि स्कारलेट जॉनसन की काफी कमाल की मूवी है, ये हिंदी में डबिंग हो रही है और जब लॉन्च होगी हिंदी में तो मैं आपको बता दूंगा। देन इसी के साथ समर 2020 में रिलीज होगी ट्रेन टू बुसान 2, जो कि एक जॉम्बी मूवी है। इसका पहला पार्ट काफी कमाल का और हिंदी में भी रिलीज हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ब्लैक विडो का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, पहला पोस्टर लॉन्च हुआ है, काफी कमाल का लग रहा है। और अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। फ्लैश की ऑफिशियली रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है, जो कि 1 जुलाई 2022 को रिलीज होगी और 2021 से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सोनिक का इंटरनेशनल पोस्टर लॉन्च हुआ, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। और ये एक लाइव एक्शन मूवी है तो मैं तो इसे 100% देखना चाहूंगा। और ये मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी। मौलान ऑफिशियली एक नया पोस्टर लॉन्च हुआ है और ये भी मूवी हिंदी में रिलीज होगी। आपको बता देता हूँ, काफी कमाल की मूवी होने वाली है। व्हाट्सएप पेरी के ऑफिशियली नए कैरेक्टर पोस्टर लॉन्च करे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पोस्टर लॉन्च करे गए, जो कि ब्राजील कॉमिक कॉन में लॉन्च करे गए अभी हाल ही में। तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं ये सब। देन उसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारे पोस्टर कैरेक्टर डाउनलोड करने फुल HD में, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कमाल के HD पोस्टर हैं, पर इसका ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है, मैं चाहता था कि इसका भी ट्रेलर लॉन्च हो। लॉयन किंग, जो कि काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी लाइव एक्शन, ये टाटा स्काई पे आ चुकी है। जिसके पास टाटा स्काई शोकेस का कनेक्शन है वो जाके देख सकता है लॉयन किंग। और जब इंटरनेट पे आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। सजैम ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम पर आ चुकी है 5.1 ऑडियो में, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी कमाल की मूवी है। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी अमेजॉन प्राइम पर आ चुकी है, तो जिसके पास सब्सक्रिप्शन है अमेजॉन प्राइम का वो जाके देख सकते हो। अब वंडर वूमेन के बारे में बात करते हैं, तो वंडर वूमेन के कुछ काफ़ी कमाल के कैरेक्टर पोस्टर लॉन्च हुए, जिसमें कि वंडर वूमेन का हमें ईगल गोल्डन आर्मर देखने को मिला। पीटर दोबारा से रिटर्न हुए, काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। और देन उसी के साथ चीता का ऑफिशियली फर्स्ट लुक देखने को मिला, उनकी कॉस्ट्यूम देखने को मिली, पर मेरे को एक्चुअल लुक देखना था, जो कि ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रेडी और नॉट ब्लूरे में आ चुकी है हिंदी में, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप जाके खरीद सकते हो अगर आपको खरीदने का शौक है, कलेक्शन करने का। 8B हिंदी में आ चुकी है ब्लूरे 4K, आप जाओ डाउनलोड करो, देखो, मज़ेदार मूवी है। मास्टर जेट, जिसमें कि डिबेटिस्टा है, और ये मूवी मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद तो नहीं है, पर ये हिंदी में डब हो चुकी है और इसकी भी आ चुकी है ब्लूरे। रैम्बो द लास्ट ब्लड गूगल प्ले पे आ चुकी है, अगर आपको देखनी है हिंदी में तो आप जाके देख सकते हो गूगल प्ले पर, काफ़ी कमाल का। फास्ट एंड फ्यूरियस, जो कि एक स्पायर टीवी सीरीज आने वाली एनिमेशन की, ये फाइनली हिंदी में रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर, तो काफ़ी कमाल का है। देन फरवरी में रिलीज होगी टर्मिनेटर डार्क फेट, ये एक ऑफिशियली ब्लूरे है, अगर आपको खरीदने का शौक है तो फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। अब ब्राज़ील कॉमिक कॉन में अभी हाल ही में डायरीज फीमेल के लिए ऑफिशियली कुछ मर्चेंडाइज लॉन्च करे गए वंडर वूमेन के, जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे थे। और देन ये मैंने पहले भी डाले थे, अगर आपको अभी भी चाहिए डाउनलोड करने तो मैं अपने टेलीग्राम पर और ट्विटर अकाउंट पर डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फुल HD में, कोई भी मतलब इसका पिक्सल डाउन नहीं है, तो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया में भी ऐसे कुछ लॉन्च हुआ करे हम फैंस के लिए। देन उसी के साथ नेटफ्लिक्स की जो अपकमिंग TV सीरीज थी वो भी हिंदी में रिलीज होगी, जिसका नाम है वर्जिन रिवर, काफ़ी कमाल की है, देखना ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सोनिक का एक ब्राज़ील कॉमिक कॉन में पोस्टर लॉन्च करा गया अभी हाल ही में रिसेंट में, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। देन इसी के साथ एड स्टारर, जो कि ब्रैड पिट की मूवी है, ये भी हिंदी में लॉन्च हो चुकी है और इसका ब्लू रे डिस्क फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आ चुका है। अब गेम का एक अपडेट करते हैं, रेजिडेंट इविल 3, इसका एक रीमेक लॉन्च हो चुका है और ये गेम 2020 में लॉन्च होगा, इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। फ्री गाय, जो कि रैन की एक अपकमिंग मूवी है, काफ़ी कमाल का ट्रेलर है, इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है और पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो। कंजूरिंग 3 का ऑफिशियली टाइटल लॉन्च हो चुका है और सितंबर 2020 में लॉन्च होगी। और इस यूनिवर्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आपने हॉरर मूवी नहीं देखी तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर देखें। ब्लैक विडो का अभी हाल ही में कॉमिक कॉन ब्राज़ील में एक नया पोस्टर लॉन्च हुआ, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। गोस्टबस्टर का ऑफिशियली ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, उसका भी एक पोस्टर लॉन्च हुआ है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, तो देखिएगा ज़रूर अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है। ब्लैक विडो के ऑफिशियली चप्पल रिलीज करी गई हैं, जी हाँ, चप्पल हैं, जूते रिलीज करे गए हैं, वो ब्राज़ील कॉमिक कॉन में है।
दी आयरिश मैन, ये काफ़ी कमाल की मूवी है नेटफ्लिक्स की, 3 घंटे की करीब ये मूवी है और इसे 70 मिलियन व्यू मिले हैं नेटफ्लिक्स पर। द विचर के कुछ कैरेक्टर पोस्टर लॉन्च हुए जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देखो। और ये टीवी सीरीज के करीब मैं बताऊं 8 सीजन आएंगे और पहला सीजन हिंदी में रिलीज हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। और जब ब्लैक विडो का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो एशियन सोशल मीडिया जो मार्वल का है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वाला ट्रेलर यही निकला ब्लैक विडो का। स्पाइडरमैन का 2 ऑफिशियली गेम लॉन्च होगा प्लेस्टेशन 5 में जो कि 2020 या 22 तक बता रहे हैं, ये एक ऐसा रूमर है। और फाइनली रोनिन का एक फीमेल वर्जन भी था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में, पर वो हमें दिखाया नहीं, उसे रिजेक्ट करके मेल करा गया, तो काफ़ी कमाल का है। वॉर ऑफ द प्लैनेट एप्स, इसकी जो 3 पार्ट आए थे वो काफ़ी कमाल के थे और इस सीरीज को अब रिबूट कर रहा है डिज्नी क्योंकि अब इसके पास राइट्स आ चुके हैं। मौलान का एक ऑफिशियली नया लुक नज़र आया है जो कि वो किसी से लड़ती नजर आ रही है चड़ल से, काफ़ी कमाल का लग रहा है। देन उसी के साथ सजैम ब्राजील कॉम में एक रूमर आया था कि ये ऑफिशियली अनाउंस करी गई है, पर इसका सेकंड पार्ट 100% आएगा, भले फिलहाल वो रूमर था। मैन ऑफ स्टील 2 पर ऑफिशियली वर्क चल रहा है, हेनरी ने इसके ऊपर बताया, पर कैरेक्टर कौन होगा, कास्ट कौन होगी अभी तक ये कंफर्म नहीं है। गोल्डन ईगल आर्मर हमें वंडर वूमन में देखने को मिला जो कि काफ़ी कमाल का ट्रेलर था और मुझे ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पर चमक बिल्कुल नहीं है। केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि फ्यूचर में मार्वल फेज 4 में हमें मल्टीवर्स भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी कमाल का होने वाला है मल्टीवर्स। देन उसी के साथ जीमो जो कि एक विलेन है फैल्कन द विंटर सोल्जर का, उन्हें अभी हाल ही में एक इमेज डाली है इंस्टाग्राम पे जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है। देन उसी के साथ अब बात करते हैं कुछ मर्चेंटाइज के बारे में जो कि हैं ब्लैक विडो के, जो कि ब्राज़ील कॉमिक कॉन में अभी हाल ही में लॉन्च करे गए, जिसमें कि कुछ टी शर्ट्स थी, कुछ बुक्स थी और कुछ पैंट्स थी, कुछ चप्पलें थी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये सब काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। और एक छोटा सा मग कॉफ़ी पीने के लिए जिसमें कि चीता का लुक दिखाया गया है वंडर वूमेन का, तो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और एक वंडर वूमेन का पोस्टर जो कि ब्राज़ील कॉमिक कॉन में अभी हाल ही में रिसेंट में लॉन्च करा गया। और देन व्हाट्स ऑफ पेरी की पूरी टीम की पिक आई थी सामने जो कि काफ़ी कमाल की लग रही है, पर इन्होंने ट्रेलर लॉन्च नहीं करा, ये गलत करा, काफ़ी अच्छा लग रहा है पर मेरे हिसाब से ट्रेलर लॉन्च करना चाहिए था। और देन ये स्टार्टिंग जब गैल और प्रिटी जैक्सन एक साथ खड़ी हुई है वंडर वूमेन का प्रमोशन करने के लिए कॉमिक कॉन में, काफ़ी कमाल का लग रहा है। केविन फाइगी की एक सामने इमेज आई जो कि ब्लैक विडो का पोस्टर पकड़ी हुई है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। और अब वो उस इमेज के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले आई थी और मैं बता नहीं पाया, वो थी फैल्कन द विंटर सोल्जर की ऑफिशियली इमेजेस। जी हाँ, ये वो इमेजेस हैं जो कि हमें टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगी और इसमें फैल्कन काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं और विंटर सोल्जर भी बहुत ज़्यादा। और देन वांडा विजन की भी एक हाल ही में इमेज आई है सामने जिसमें कि वो पुराने 90s स्टाइल में लग रहे हैं और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद कहीं ना कहीं वो विजन को पागल बना रही है। अमेजोन्स के ऊपर एक ऑफिशियली मूवी बनेगी जो कि अभी हाल ही में रिवील्ड करा गया है। और अब एक ऐसा काफ़ी कमाल का अपडेट, मिस मार्वल, शी हल्क और मून नाइट, इन सबों की शूटिंग और इनके ऊपर काम 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, पर अभी तक इनकी रिलीजिंग डेट और मंथ अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कब रिलीज होंगे, पर इनका प्रोडक्शन 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अपडेट काफ़ी कमाल का, जैक स्नाइडर ने एक हाल ही में इमेज डाली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसमें ऑफिशियली 3 घंटे के वो पड़े थे, क्या कहते हैं, रील, जिसमें कि मूवी होती है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग लॉक की जो कि हिंदी में रिलीज होगी कंफर्म हो चुका है। एवेंजर एंड गेम का ऑफिशियली कौन सा पार्ट लॉन्च हुआ है जो कि फाइनल था, जिसमें कि टोनी स्टार्क और हमारे कैप्टन अमेरिका सूट पहनते नजर आ रहे हैं। एक हाल ही में इमेज आई थी जिसमें कि इंटरनल्स की पूरी फैमिली देखने को मिली और उसमें हमें नया कैरेक्टर भी देखने को मिला और गेमा चैन का स्टाइल भी देखने को मिला। एक्वामैन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि उसकी शूटिंग 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो काफ़ी कमाल का होने वाला है। व्हाट्स ऑफ पेरी की कुछ ऑफिशियली इमेज आई हैं सामने बिहाइंड द सीन जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये इमेजेस अगर आपको चाहिए डाउनलोड करनी है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। और अब बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में। अभी हाल ही में एक अपकमिंग मूवी आने वाली है जिसमें कि जोनाथन को कास्ट करा गया है और जोनाथन एक काफ़ी कमाल के एक्टर हैं जो कि आप सभी जानते हो, उन्होंने आपने और मूवीज़ में भी देखा होगा, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जोनाथन फाइनली कास्ट करे गए हैं। और हल्क का एक नया कौन सा पार्ट आया है जो कि फेस का है रिवील करा गया है रिसेंट में अभी, और इनको दिखाया गया है कि हाँ कैसा होने वाला है। वंडर वूमेन ऑफिशियली 3 फुल स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और प्रिटी जैक्सन ने कह दिया है कि मैं उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ। फास्ट एंड फ्यूरियस का जो ट्रेलर आएगा वो जनवरी में रिलीज होगा और विन डीजल ने ये कंफर्म करा अपने इंस्टाग्राम पर ये मैसेज डालकर। तो गाइस, ये थे वो कुछ अपडेट, कुछ हिंदी अपडेट जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और कुछ गलती हो तो यार माफ़ करना क्योंकि याद कुछ नहीं था, सिर्फ जो मन में था वो बोलता गया, जो न्यूज़ थी मन में बोलता गया और थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। और कुछ और भी अपडेट आए हैं, अगर तबीयत सही रहती है तो मैं आपको कल तक वो वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट
कैसा लगा वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मत इस वीडियो को नहीं देखो याद उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।